सो हेलो गाइज, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। सो गाइज, आप लोगों को टाइटल और थंबनेल देख के लग ही रहा होगा कि भाई ये कोई हमारी गेम प्ले या कोई हमारी टिप्स एंड ट्रिक वीडियो नहीं होने वाली है। तो आज के कुछ 13 या 14 दिन पहले मेरे साथ एक बहुत बड़ी है ठीक है। तो एक घटना हुआ मेरे साथ। क्या हुआ वो कि मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। तो गाइज, मेरे साथ थोड़ा हम दोस्त मिले थे कॉलेज के, तो हम गए थे बाहर घूमने के लिए, ठीक है। सो मतलब हम गए थे, हमारे यहाँ पे मेला लगा हुआ था वहाँ पर घूमने के लिए। सो गाइज, हमारा वहाँ पर जब मैं गया तो वहाँ पर गया तो मेरा अपना वन प्लस लेके गया हुआ था, ठीक है। जो कि मेरा, आप लोगों को पता है, मेरा दो फ़ोन है, मेरे पास मोटरोला है और मेरे पास वन प्लस है, ठीक है। तो जो मेरा मोटरोला था उसके अंदर जो कि मेरा व्हाट्सअप मेरा हर एक चीज़ रहता है, ठीक है। और मेरा जो वन प्लस है उसके अंदर मेरे इंस्टाग्राम, मेरा गेमिंग फ़ोन है लाइक वो, ठीक है, मेरा एक गेमिंग फ़ोन है वो। तो मैं अपना पबजी, मेरा यूट्यूब और मेरा इंस्टाग्राम खाली रहता है, और बाकी सब एडिटिंग वगैरह मैं सब मोटरोला में करता हूँ, ठीक है। मेरा सिम कार्ड भी उसके अंदर ही है जो मेरा मेन है। तो बट उसके अंदर चार्ज है तो मैं वो नहीं लेके गया, मैं अपना वन प्लस लेके गया था वहाँ पर, ठीक है, घूमने के लिए। सो वहाँ पर जब मैं गया तो वहाँ पर भाई बहुत भीड़ था ये तो, ठीक है। अब वहाँ पर देखो, आपको मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, फुल शॉर्ट, ठीक है। बहुत बड़ी कहानी है, बहुत बड़ा मतलब झटका है, ठीक है। मैं आपको एकदम शॉर्ट बता रहा हूँ, शॉर्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी फुल डिटेल में वीडियो बनाया था, वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो मैं आप लोगों को एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ इस बार, ठीक है। तो मैं पता नहीं वापस ये रिकॉर्ड हो रहा होगा कि नहीं रिकॉर्ड हो रहा होगा, तो बट आप लोगों को मैं एकदम शॉर्ट में बता देता हूँ, ठीक है। तो वहाँ पर जब मैं गया तो वहाँ पर मेरा फ़ोन खो गया। अब वो मेरा फ़ोन कैसे खोया मुझे पता नहीं, ठीक है। लाइक मेरा वो फ़ोन किसी ने निकाल लिया या फिर किसी ने, मतलब वो फ़ोन या फिर गिर गया, ठीक है, जेब से। तो बट मुझे, मेरे पर विश्वास है कि मेरा फ़ोन मैं गिरा नहीं सकता क्योंकि मैंने आज तक अपनी कोई भी चीज़ खोई नहीं है। तो मैं कभी कुछ नहीं गिराया, मैंने पैसे ना कुछ भी नहीं गिराया अपनी जेब से। मुझे मेरे विश्वास है कि मैं वो गिरा नहीं सकता, ठीक है। वो किसी ने मेरे जेब से भीड़ में निकाल लिया, ठीक है। अब वो जब वहाँ पर मुझे वो फ़ोन देखने में, तो हमने बहुत दूर, तो वहाँ पर नहीं मिला। मेरे दिमाग में ये डाउट था कि मैं घर पे तो वो फ़ोन नहीं भूल के आ गया, तो मैं घर आया, ठीक है। बहुत दूर है मेरे घर से वो जगह, आधे घंटे दूर है करीबन, ठीक है। मैं घर आया, मेरे घर पर भी देखा तो मेरे को मेरा फ़ोन घर पर भी नहीं देखने मिला। अब जब यहाँ भी देखने नहीं मिला तो फिर हमने गया पुलिस स्टेशन, ठीक है, पुलिस कंप्लेंट करने के लिए। वहाँ पर हमने कंप्लेंट भी की, ठीक है, कि मेरा फ़ोन ऐसा खो गया। मैंने वो फ़ोन, आप लोगों को पता हो कि मैंने वो सेकेंड हैंड फ़ोन लिया हुआ था, तो मतलब सेकेंड हैंड फ़ोन जब लिया हुआ है तो गाइस ना समझ रहे हो ना आप लोग। तो उसका मेरे पास प्रॉपर बिल बॉक्स नहीं था, ठीक है, जो ओरिजिनल बिल बॉक्स होता है वो पास नहीं था, क्योंकि दुकान शॉप से मैं नहीं लेता, वो शॉप का मेरा सेकेंडरी बिल था मेरे पास, ठीक है, दुकान से मुझे मिला हुआ था, ठीक है। तो वो बिल मतलब मेरा सब कुछ हो गया, ठीक है, मैंने कंप्लेन वगैरह कर दी। मैं घर आया, टेंशन से नींद नहीं आई मुझे, रात मुझे नींद नहीं आया, पूरा रात मुझे नींद नहीं आया। सुबह के 6 बजते गए और मेरे को मेरा मैसेज आता है कि भाई, मतलब मेल आता है ऊपर से, नोटिफिकेशन आता है कि मेरा जो मेरा मेन अकाउंट है जिसमें मेरे 7K ऑलमोस्ट सब्सक्राइबर्स थे, वो अकाउंट किसी ने बताया उसका पासवर्ड चेंज कर दिया है। अकाउंट मैंने किसी को दे भी रखा था कि वो मेरा कोई फ्रेंड चेंज कर सकता है, ठीक है। अब मैं अलग टेंशन में आया कि भाई मेरा अकाउंट किसने, मतलब पासवर्ड किसने चेंज कर दिया। अब तो मतलब मेरा पासवर्ड चेंज हुआ तो मैंने क्या किया, मेरे को समझ में आ गया था कि भाई जिसके पास फ़ोन किया हुआ है उसी ने कुछ कर रहा है, ठीक है। अब आप लोग बोलेंगे उसके पास फ़ोन गया तो वो मतलब पासवर्ड वगैरह कैसे, मतलब वो उसने फ़ोन का लॉक किया, फ़ोन पे लॉक नहीं लगा था, लॉक लगा हुआ था बट बहुत इजी लॉक में रखता हूँ, ठीक है। मेरे पास पैटर्न लॉक करता हूँ, बहुत इजी लॉक रखता हूँ मैं, मेरे को आदत है मतलब वही लॉक रखने की हमेशा से, तो मतलब मैं वही लॉक रख के आया हूँ, ठीक है। तो उसने शायद से ईजिली वो लॉक खोल लिया होगा, उसने मतलब अब देखा तो उसने हैक करने का या फिर पासवर्ड चेंज करने का ट्राई किया होगा, ठीक है। उसने ऐसा उसको मेरा डिवाइस तो मिल गया, उसने खोला तो वो ये भी लेने की सोच रहा होगा कि भाई ये भी ले लेते ना भाई, वो ये क्यों छोड़ते उसके पास, ये भी उसका मतलब पूरा तबाही करना है इससे इसको। तो उसने वो भी चेंज कर दिया पासवर्ड, ठीक है। अब वो उसने पासवर्ड चेंज कर दिया, अब मैं यहाँ से बहुत परेशान हुआ कि मतलब मैंने एक्सेस करने की कोशिश की पर मेरा एक्सेस नहीं हुआ वो। तो मैंने फटाफट क्या किया, मैं अपना जो सेकेंडरी ईमेल था, मेरे जितने भी ईमेल थे उसके अंदर 3-4 ईमेल मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है, 3 ईमेल यूज़ करता हूँ, सॉरी मैं 3 ईमेल, 4 नहीं 3 ईमेल, ठीक है। तो मतलब मैंने उस तीनों के पासवर्ड चेंज कर दिए, जो कि 2 मेरे हैं जिसमें से आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, वो ईमेल ये यूट्यूब चैनल का, एक मेरा सेकेंडरी ईमेल और एक मेरी मम्मी का ईमेल, ठीक है। इस तीनों को मेरे पासवर्ड चेंज कर दिए जो कि मेरे पास एक्सेस थे, और वो वाला एक्सेस मेरे पास नहीं था। मैंने अपना इंस्टा का पासवर्ड चेंज किया, मैंने अपना फेसबुक का पासवर्ड चेंज किया, हर एक चीज़ का मैंने एक्सेस वहाँ पे जो भी मेरे थे सबका मिटा लिया उसके पास से, ठीक है। बाकी जो मेरा मेन अकाउंट था वो अपने पास उसका एक्सेस रख लिया, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि उसने पासवर्ड चेंज कर दिया है, मैं यहाँ से कुछ भी नहीं कर पा रहा था, उसका ना अपना ईमेल रिकवर कर पाता ना कुछ कर पा रहा था। तो अब पूरा दिन जाता है ऐसी ऐसी टेंशन में कि मैंने बहुत सारा कॉन्टैक्ट भी किए कि भाई मेरा ऐसा ऐसा हो गया, कुछ हेल्प हो सकती है, कुछ भी हेल्प मुझे कहीं से भी नहीं हुई, ठीक है। बहुत ट्राई हुआ हमारा, ठीक है, कुछ भी नहीं हो पाया, ठीक है। रात होती है, ठीक है, 8 बज जाते हैं कुछ करीबन। अब मैं अपना पूरा दिन मेरा ऐसे ही फ़ोन पर निकल जाता है, व्हाट्सअप पे, यहाँ वहाँ मैसेज में, बात में, यहाँ वहाँ मिलना, ठीक है, भाई कुछ हो सकता है तो करो यार, मतलब एक्सेस करने की कोशिश नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि मैं रात में 8 बजते 8:30, ठीक है, मैं थोड़ा लेटा हुआ था टेंशन से। अब मैंने अपना फ़ोन उठाया, मैंने अपना इंस्टाग्राम खोलना,
सोचा ठीक है इंस्टाग्राम खोलता हूँ, मतलब आदत जाता है ना अपने इंस्टाग्राम पे हमेशा जाते हैं तो रील्स देखते हैं ठीक है, अब पूरा दिन तो टेंशन में निकल गया था, थोड़ा रील्स देखते हैं। तो रील्स के लिए मैंने ऑन किया था, मेरा इंस्टा का आईडी लॉग आउट है, मेरा इंस्टा का आईडी लॉग आउट था। तो मेरे को क्लिक हो गया दिमाग में कि उसने ये भी काम कर दिया ठीक है। अब मेरे को दिमाग में ये भी कि मैंने पासवर्ड छीना तो उसने कैसे कर दिया। बाद में मेरे को ध्यान में आया कि मेरा जो मेल था वो वाला फर्स्ट वाला उस पर मेरा इंस्टाग्राम का आईडी भी लिंक था, तो उसने उसके थ्रू कर दिया हुआ कांड ठीक है, समझ रहे आप लोग, उसके थ्रू उसने कांड कर दिया, मतलब उसका भी एक्सेस उसने ले लिया। बाकी जो मेरा फेसबुक था वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे नंबर पे है फेसबुक तो वो कुछ नहीं कर सकता था। बाकी ये सब पे मैंने एक्सेस ले लिए तो उससे मेरे ईमेल्स के, तो वो कुछ नहीं कर पाया। बाकी उसने मेरा मेन अकाउंट जो मेरा यूट्यूब का है और मेरा इंस्टाग्राम का, दोनों का छेड़छाड़ कर दिया। बाकी दो तीन दिन बीत जाते टेंशन से और मेरा कुछ भी नहीं हो पा रहा था उसका एक्सेस ठीक है। तो मेरे मेन अकाउंट मेरा जो इंस्टाग्राम था उसका पासवर्ड तो उसने सिर्फ चेंज कर ही दिया था, और तो उसने नाम भी चेंज कर दिया ठीक है। मेरा नाम लखनऊ सिंह नाम रखा हुआ है ठीक है, यूज़र नेम मैंने बोला भाई खतरनाक बंदा है भाई, ये तो खतरनाक भाई है भाई ये तो अपना ठीक है। उसको मैंने बहुत मैसेज किया ठीक है, इंस्टाग्राम पर भी मैसेज किया मैंने, उसको मैंने मेल भी किया उस मेरे मेल पर ठीक है, और उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं था। और मतलब वो एक्सेस गया मेरे पूरे यहाँ से ठीक है। ऐसे दिन बीतते गए टेंशन से धीरे धीरे, मतलब मैं अपनी चीज़ों को भुला रहा था, क्योंकि पता है आप लोगों को वो भाई उसमें मेरे 2 साल की मेहनत थी ठीक है, 2 साल की मेरी मेहनत मेरे को बर्बाद होती दिख रही थी। तो भाई मुझे बहुत टेंशन था कि भाई ये क्या हो गया मेरे साथ ठीक है, क्या हो रहा है। और मेरा यूट्यूब पेमेंट भी आने वाला था, आप लोगों को पता नहीं तो बता दूँ, मेरा यूट्यूब पेमेंट भी इस मंथ आने वाला था, जो कि मेरे पास अभी तक नहीं आया है। तो मतलब उसने कुछ छेड़छाड़ की है, क्या की है पता नहीं ठीक है, अब वो नेक्स्ट मंथ वेट करूँगा, नेक्स्ट मंथ नहीं आता तो उसने कुछ छेड़छाड़ की है बंदे ने ठीक है। सो ठीक है, ये बात नहीं, उसका भी गम नहीं है मुझे ठीक है। मेरा मेरे को सबसे बड़ा गम है मेरा जो मेरा 2 साल का मेरा था, मेरा अकाउंट जो मैं से अपने 7K ऑलमोस्ट सब्सक्राइबर किए थे ठीक है, वो बंदा लेके जा चुका है ठीक है। अब वो उसने उसका मतलब आज कुछ 13-14 दिन हो जा रहा है, उसने कुछ वीडियो भी नहीं डाला उसके ऊपर, पता है आप लोगों को, उसने कुछ वीडियो भी नहीं डाला हुआ है वहाँ पर, बट पता नहीं क्या करने के लिए उसने ये सब किया ठीक है। अब वो जो भी किया भाई वो खुश रहे ठीक है, मैं उसको क्या ही बोलूँ, खुश रहो भाई तुम, खुश रहो तुमने ले लिया तो क्या ही कर सकते ठीक है। बाकी अगर भाई मजाक करो, अगर क्या पता इस वीडियो को भाई उसके पास पहुँचे ये वीडियो, अगर आप देख रहे हो भाई तो यार प्लीज़ यार पासवर्ड आईडी भाई ईमेल का जवाब दे दो यार, मेरी जान प्लीज़ दे दो यार मुझे, मैं इतना ही बोल सकता हूँ। बाकी मैं बहुत परेशान था गाइस 13-14 दिन ठीक है। अब मैं अभी आप लोगों को मैं हंसी तो लगती होगी मेरे शक्ल पे, बट ठीक है, आप लोगों को मेरे अंदर का दर्द मैं आपको क्या बता सकता हूँ, तो मैं क्या फील कर रहा था ठीक है, बहुत ठीक है। अब मैं समझ लो एक तरह से भूल चुका हूँ, भुलाना पड़ेगा ना, क्या कर सकते हैं ठीक है। तो 2 साल का मेहनत गया अपना वो, अब क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकता मैं, कुछ नहीं कर पा रहा था भाई वो बंदे का मैं, कुछ भी नहीं, क्योंकि उस बंदे का कौन है वो पता नहीं है ना मुझे, कौन है वो क्या है वो, अगर मिलता तो भाई तोड़ता उसको अच्छे से। तो भाई अगर मजाक कर रहा भाई, कुछ नहीं करता भाई, अगर आप देख रहे हो वीडियो प्लीज़ गिव इट टू मी भाई, गिव इट टू माई अकाउंट भाई प्लीज़ ठीक है, मेरे को मेल का जवाब दे दो यार आप बस ठीक है। तो मैं इतना ही बोलना चाहता था और इतना आप लोगों को बताना चाहता कि ऐसा तो मेरे साथ हुआ है। और भाई मेरा फ़ोन गया, मेरा मेल गया, जो मेरा सेकंड मेन अकाउंट है वो गया ठीक है, मेरा मेन अकाउंट जो सेकंड मेन अकाउंट बोला, जो मेरा मेन अकाउंट है यूट्यूब का वो गया, मेरा इंस्टा आईडी गया। तो ये सब मेरे साथ 3 चीज़ हादसा हुआ, और क्या ही कह सकता हूँ, अभी कुछ नहीं कह सकता था मैं उसका, खाली मैं बस उसको दुआएं दे सकता था अच्छी अच्छी, क्योंकि मैंने बहुत दी उसको और मेरे दोस्तों ने बहुत अच्छी अच्छी दुआएं दी उसको ठीक है। क्या कर सकते, मुझे पता है ये वीडियो भी वहाँ तक नहीं पहुँची, कि क्यों नहीं पहुँची, कि आप लोग लाइक तो करते हो नहीं, लाइक मारा करो यार प्लीज़, अगर अभी अपने को बहुत सपोर्ट की जरूरत है ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को जब दो भी मिनट वीडियो डाला करो ना प्लीज़ गाइस, आते अगर आप लोग देखते हो, अगर आप लोग इतना भी मुझे पसंद करते तो प्लीज़ लाइक ठूटा करो तुरंत आते, क्योंकि आप लोग लाइक करोगे तो वीडियो आगे जाएगी, जिससे अपनी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा चलेगी ठीक है। अपने को फटाफट से इस चैनल को भी ग्रो करना है ठीक है, और जो कि मेरी 2 साल की में बर्बाद हुई है उसको मेरे को कम से कम मुझे 6 महीने के अंदर तो रिकवर करना ही करना है ठीक है। इस चैनल पर मुझे 10K सब्सक्राइब 6 मंथ में अंदर करने का, इस साल के अंदर मुझे 10K तो करना ही करना है, कैसे भी समझ लो इस साल के अंदर। तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब मारा करो आप लोग फटाफट से ठीक है, और फटाफट से 1K तो करवाना ही है आप लोगों को ठीक है, ये मंथ के अंदर तो 1K करना ही करना है अपने को ठीक है, 1K करवा दो आप लोग फटाफट से, क्योंकि अपने को फटाफट से 1K करना ही है। और मैं क्या बोलूँ, बाकी मैं आप लोगों को बहुत सारी चीज़ बताया था, जो कि मेरे वीडियो का वॉइस ओवर रिकॉर्ड नहीं हुआ, मैं इस वीडियो को बहुत शॉर्टली मैं ख़त्म कर रहा हूँ ठीक है, वो मतलब बहुत लंबी वीडियो बनी थी बट उसमें मेरा वॉइस ओवर ही नहीं रिकॉर्ड हुआ, बताओ क्या ही बताऊँ मैं,
मेरा मूड खराब हो गया पूरा था, ठीक है। सो एज बस मुझे आप लोग को बताना था कि मेरे साथ क्या हुआ था, क्यों मैं इतना दिन से गायब था अपने चैनल पर, क्यों मैं वीडियो नहीं डाल रहा था, तो एक यही रीज़न था, ठीक है। अभी अपन इस चैनल पर मेहनत करेंगे, अगर इसको भी ग्रो करेंगे। गाइस मेरा न्यू इंस्टाग्राम का आईडी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर, जाके उसको फॉलो कर लो, हुस्सू गेमिंग, ठीक है। जाके मेक श्योर फॉलो कर लेना, वहाँ पर भी आपने अभी तक फॉलो नहीं कर रखा होगा तो नहीं रखा ही होगा आप लोगों ने, तो न्यू है वो, ठीक है। वैसे मेरा सेकेंडरी था वो, तब मैं इसको अपना न्यू मतलब गेमिंग का मतलब जिसको कर रहा हूँ, ठीक है, वहाँ पर से। तो गाइस जाके फॉलो कर लेना वहाँ पर, ठीक है। अब वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब मार दो चैनल को, फटाफट 1K करना है गाइस। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू गाइस।